हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विश्वकर्मा एंड ये बात विश्वकर्मा मोटर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फाइव राफेल फाइट जेट फाइटर के बारे में, जो कि कब कहां कैसे लैंडिंग से लेके टेकअप तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस राफेल में क्या खास बातें हैं जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, और कितने जेट्स इंडिया में इम्पोर्ट किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो दूसरा वीडियो जेट्स के बारे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो जनरली टू टाइप्स के इंजन जेट्स में यूज किए जाते हैं, फर्स्ट पिस्टन इंजन एंड सेकंड टर्बाइन इंजन। लेकिन राफेल जेट फाइटर में पिस्टन इंजन का यूज किया गया है। इफ यू इंटरेस्टेड नोन अबाउट अ पिस्टन इंजन हाउ टू वर्क, देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अब हम जानते हैं राफेल जेट फाइटर के बारे में खास बातें जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है। नंबर वन, ओवरऑल एम्प्टी वेट 10 टन है, यानी राफेल की वजन 10 टन है। नंबर सेकंड, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन है, यानी 24.5 टन लेकर आसानी से उड़ सकता है। इसका मतलब वेट से ज़्यादा लेकर उड़ने की कैपेसिटी इसमें है। नंबर थर्ड, फ्यूल कैपेसिटी इंटरनल 4.7 टन और एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी 6.7 टन है। नंबर फोर, राफेल फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि हवा में ही ईंधन को भरा जा सकता है। वन टेकअप में 3700 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। जब फ्रांस एयरवेज से टेकअप हुआ था यूएई के लिए, उस दौरान 30,000 फीट ऊंचाई पर मिड एयर फ्यूलिंग की गई थी, यानी फ्रांस से यूएई तक 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करने में एक बार फ्यूल भरा गया था, क्योंकि राफेल फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 3700 किलोमीटर तक ही है। हवा में फ्यूल भरने की प्रोसेस को एरियल रीफ्यूलिंग कहा जाता है। ये पाइप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी की हेल्प से फ्यूल को भरा गया था। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही विमानों में फ्रांस के 5 विमानों द्वारा फ्यूल को रीफिल किया गया था। ईंधन भरने वाले इन विमानों को एरियल रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। एरियल रीफ्यूलिंग इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। एरियल रीफ्यूलिंग की हेल्प इंक्रीज द फ्लाई कैपेसिटी ऑफ एनी जेट्स, जैसे रफाल लड़ाकू विमानों की एक बार में 3700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेसिटी है। बट एरियल रीफ्यूलिंग की हेल्प से 5000 किलोमीटर तक दूरी बिना रुके तय की। फ्रांस एयरवेज टू दुबई एयरवेज यूज जैसे कंडीशन में रफाल विमान ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है। रफाल फाइटर जेट जो 10 हावर तक कंटिन्यूसली हवा में रह सकता है, इस दौरान 6 टाइम फ्यूल भरने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हवा में ही भरा जा सकता है। बहुत ही शानदार फीचर ऑफर किया गया है इसमें। नंबर 5, इस राफेल फाइटर जेट में 1000 केजी वजन वाला कैमरा लगा हुआ है, जो हजारों फीट की ऊंचाई से गेंद जैसे वस्तुओं को आसानी से देख सकता है और उसका फोटो खींच सकता है। नंबर 6, राफेल 5500 फीट की ऊंचाई से दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। एक बार में 16 टन बम ले जा सकता है। ये भारत का इकलौता ऐसा विमान है जो 1.5 गुना ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है। नंबर 7, राफेल में मल्टी डायरेक्शनल रडार लगा हुआ है। इसका खास बात यह है कि 100 किलोमीटर के रेंज में 40 टारगेट को एक साथ ले सकता है। नंबर 8, राफेल फाइटर जेट में 1 मिनट में 2500 गोले दागने की कैपेसिटी है। नंबर 9, राफेल की टॉप स्पीड 35 किलोमीटर प्रति मिनट। इसका स्पीड साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा है। नंबर 10, राफेल में परमाणु अटैक करने की भी कैपेसिटी है। नंबर 11, राफेल में 3 तरह के घातक मिसाइलों के साथ 6 लेजर गाइडेड बॉम्ब भी फिट होते हैं, जिसका एक लेजर गाइडेड बॉम्ब का प्राइस 1 करोड़ तक होता है। रिया और ईरान के ISI के अटैक में राफेल बम का यूज किया गया था। नंबर 12, राफेल में एक ऐसा इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है जो राफेल कवच की तरह काम करता है और इसके तरफ आ रहे दुश्मनों के रडार को जाम कर सकता है और अपनी तरफ आती मिसाइलों को मिसगाइड कर सकता है। और खास बात यह है कि राफेल के पास आ रहे मिसाइलों से पहले ही अलर्ट कर देता है। नंबर 13, राफेल फाइटर जेट से हम एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल आसानी से दाग सकते हैं। नंबर 14, इन सारे खास बातों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 750 करोड़ पर राफेल पे किया है फ्रांस गवर्नमेंट को। नंबर 15, टोटल 36 जेट्स इंपोर्ट किए जाएंगे इंडिया में, जिसमें से 5 राफेल फाइटर जेट आज इंपोर्ट किया गया है। अभी 31 जेट्स को इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, जिसमें से 6 ट्रेनिंग विमान होंगे।
अब हम बात करते हैं राफेल को कब और कहां मैन्युफैक्चर किया गया। तो राफेल को फ्रांस एरो स्पेस कॉर्पोरेशन में मैन्युफैक्चर किया गया है, जो 18 जून 2018 से रेडी होना शुरू हुआ था और 2019 में 15 सितंबर को कंप्लीट हुआ, जिसमें 60 अलग अलग कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया पार्ट्स को यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं राफेल को उड़ाने के लिए कौन सा ईंधन का यूज किया जाता है और उसका फ्यूल टैंक कहाँ होता है। तो जितने सारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें दो टाइप्स के फ्यूल यूज किए जाते हैं, एविएशन फ्यूल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और एयरक्राफ्ट का फ्यूल टैंक उसके पंख में माउंटेड होता है एंड राफेल में एविएशन फ्यूल का यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं राफेल फाइटर जेट को कैसे कैसे इंडिया में इंपोर्ट किया गया। तो सबसे पहले 12 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को फ्रांस भेजा गया, वहां पर 30 दिनों तक राफेल की टेक्नोलॉजी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ट्रेंड किया गया। उसके बाद सोमवार के दिन 2 बजे इंडिया के एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब के द्वारा फ्रांस एयरवेज से इंडिया अम्बाला एयरवेज के लिए रवाना किया गया, जो मंगलवार के दिन दुबई में रेस्ट किया गया था। फिर बुधवार के दिन सुबह 10:11 पर दुबई एयरवेज से टेक ऑफ लिया गया। उसके बाद बुधवार के दिन यानी आज के दिन 2 PM में 29 जुलाई 2020 को इंडिया के अम्बाला एयरवेज में इंडियन एयरफोर्स के पायलटों द्वारा लैंड कराया गया। Now see what's the reaction of Indian Air Force pilot who drive this Rafael fighter jet and what say about this? रघुनाथ नाभिमार जो राफेल को ऑपरेट किए हैं उनका कहना है, other jets in Indian continent the best aircraft today. तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे दुश्मन मुल्क चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे जेट्स अवेलेबल है या नहीं। तो जी नहीं, पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा जेट्स F-16 और चीन के पास सबसे अच्छा F-20 चेंडो फाइटर है, जो इन दोनों के मुकाबले अपना राफेल विमान सुपर है। इसलिए राफेल को गेम चेंजर का दर्जा दिया गया है। राफेल जो ओमनी रोल्स एयरक्राफ्ट है, एक साथ 3 या 4 रोल को परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए फ्रांस टेक्नोलॉजी एंड उनके इनोवेशन के काफ़ी कारण है, जो सारा कॉम्प्लेक्स मामला है उसे सिंप्लीफाई किया गया है और इसे पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें कर्मा मोटर्स को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।